आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अतुल द सॉफ्ट मैन, यहाँ पर चीज़ों को समझिए। देखिए हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, दैट इज एंशिएंट इंडिया। रखें इसको या डिलीट करें? रखें या डिलीट? हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, दैट इज एंशिएंट इंडिया द पॉपुलर रिलीजियस रिफॉर्म का एरा। इसके तहत हमने जैनिज्म डिस्कस कर लिया। हम बिल्कुल शुरुआत सीधे बुद्धिज्म से करते हैं। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन रहे होंगे अतुल? क्या बात है यार, बड़े लंबे लंबे नाम बता रहे हो आप। तो बुद्धिज्म, बात हो रही है गौतम बुद्ध की। समय है 563 BC से 483 BC, लगभग 80 वर्षों का समय उनके द्वारा बिताया गया। तो एक तरह से ये 6th century ही है। इट इज़ अ 6th century, तो 6th century का मिडल टाइम हम काउंट करके चलते हैं। ओके जी, गौतम बुद्ध इस समय में आए। गौतम बुद्ध के विचार क्या थे, ध्यान से समझिए। देखिए, एक तरफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी जो कि ब्राह्मणिज्म के तहत सपोर्ट की जा रही थी, यानी कि एक्सट्रीम मटीरियलिज्म, द वेल्थ, और सब कुछ करेगा यहाँ पर कौन? द ब्राह्मण। आपको केवल यज्ञ आयोजित करवाना है, उसके माध्यम से सामग्री अर्जित करके उनको देनी है, सभी विधि विधान पद्धतियों की पालना वो स्वयं ही करेंगे। ये बहुत स्तर तक कॉम्प्लेक्स हुआ और मटेरियलिस्ट हुआ, यानी कि पैसा है प्रधान यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ है जैनिज्म का दिया हुआ एक्सट्रीम पाथ ऑफ पिनेंस, वो बहुत ही ऑस्टेरिटी की बात करता है, पिनेंस की बात करता है, यानी कि वो आपको अति चरम स्तर पर प्रताड़ना की बात करता है जैनिज्म। इसके बीच का एक मार्ग होना चाहिए। आप एक्सट्रीम नहीं जा सकते, अति नहीं हो सकती किसी भी दिशा में, इससे विकास नहीं हो पाएगा। एक स्तर पर एक मटेरियल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, पर यह विचार भी ज़रूरी है कि किस स्तर की मटेरियल डेवलपमेंट। तो विचार भी ज़रूरी है, चेतन रहना है मनुष्य को हमेशा, तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी होनी चाहिए मटेरियल वेल्थ से। बट एक स्तर की मटेरियल डेवलपमेंट भी हाउस होल्ड को मेंटेन रखने के लिए, समाज को मेंटेन रखने के लिए, प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्शन के साइकिल को मेंटेन रखने के लिए अनिवार्य है। इन दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर के चलना है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट है एक मिडल पाथ की। हमें इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाना है कि हम लाइफ में भोग विलास में डूब जाएं, और इतना भी नहीं कि जीवन के सभी पहलू प्रताड़ित हो जाएं और आप संपूर्ण वियोग ले जाएं सभी क्रियाओं से, सभी कर्मों से, तो यह भी ठीक नहीं। इसके बीच का मार्ग, तो महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मिडल पाथ की बात करते हैं। तो बुद्धिज़्म में मिडल पाथ सुझाया गया है, ये बात याद रखना। मिडल पाथ किन्होंने दिया है करणदीप, जैनिज़्म या बुद्धिज़्म में? वेरी गुड, इसको हम मध्यम मार्ग कह सकते हैं, और इसको हम उस समय की भाषाओं के अनुरूप मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं। तो यही मध्यम, मध्यम या फिर मिडल पाथ है। ओके, अब महात्मा बुद्ध कुछ चीज़ों को आपके सन्मुख रखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि ये जो समस्त संसार है, ये सौरों में एक शोक में डूबा हुआ है। सौरों में, द होल वर्ल्ड इज इन सौरो। वो स्वयं इस चीज़ का अनुभव करते हैं जब प्रथम बार वो घर से बाहर निकलते हैं। तो जैसा सिमरन ने आपको बताया कि वो एक मनुष्य को देखते हैं जो रोगी है, वो एक मनुष्य को देखते हैं जो वृद्ध है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है, एक मनुष्य को देखते हैं जो देह त्याग चुका है, यानी कि देहांत है। लेकिन एक तपस्वी भी है जो सभी तरह के शोक से मुक्त लगता है, उसके मुख पर तेज है, उसके अथरों पर एक मुस्कान और आनंद है, उसके ललाट पर एक तेज है और वह स्थिर है। इन चारों को ही देख करके जब बुद्ध अपने सारथी से बात करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि रोग भी होता है, बुढ़ापा भी होता है और मृत्यु भी होती है। उन्हें जीवन के इस नश्वर शरीर से जुड़े हुए इन चरणों का पता ही नहीं था कि फेज़ बाय फेज़ यह भी होगा। वो इस नश्वर शरीर की सीमाओं से
मुक्त हो चुके उस योगी के विषय में जब पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अनश्वरता क्या होती है। उसी दिन वो ये संकल्प करते हैं, गृह त्याग होता है, यानी कि वो जो एक सिविलाइज्ड सी लाइफ थी, जो कई तरह के सुख आराम आनंद से परिपूर्ण थी, मोह माया और संबंधों से ग्रसित थी, उसका त्याग कर देते हैं और अपनी सेल्फ, अपनी इनर रिफाइनमेंट की ओर बढ़ जाते हैं। जड़ से चेतन होने का मार्ग आरंभ हो जाता है, यात्रा आरंभ हो जाती है और फिर ज्ञान के इस मार्ग पर वो एक समय में निर्वाण प्राप्त कर जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने का उनका मार्ग बड़ा ही कठिन था, इतिहास के चैप्टरों में हमने डिटेल में बात की है, पर यह महत्वपूर्ण था। उन्होंने जब वह सभी अवस्थाओं को देखा था, वह स्वयं भी शोक में चले गए थे कि एक दिन मैं भी रोगी हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं भी मृत्यु को प्राप्त करूंगा। तो ये तो शोक है, वह शोकमय हो गए। शोक से मुक्त था वह योगी, वह भी इस शोक से मुक्त होना चाहते थे। बहुत भटके ज्ञान हेतु, बहुत से शिक्षकों के पास गए, बहुत से गुरुओं के पास गए, पर ज्ञान प्राप्त ना हो पा रहा था। अंततः स्वयं एक ज्ञान को समझा और ये समझा कि ये जितना भी शोक है, इसका कारण है आपकी डिज़ायर्स, आसक्तियाँ, इच्छाएँ। डिज़ायर ही सौरव का रीज़न है। और ये डिज़ायर्स जानते हो क्यों हैं? क्योंकि आप इग्नोरेंट हैं, इग्नोरेंस है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब आप डिज़ायर्स से मुक्त हो जाएंगे, आप शोक मुक्त हो जाएंगे और वह परिस्थिति निर्वाण की परिस्थिति होती है। वही परिस्थिति निर्वाण की परिस्थिति होती है। आई बात समझ में? तो ऐसे में महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि समस्त संसार एक शोक में है, सौरों में है, और उससे उसका कारण डिज़ायर है, और उससे मुक्त होने के लिए आपको आष्टांगिक मार्गों का पालन करना है, एट फोल्ड पाथ फॉलो करने हैं। आप इसकी पालना कीजिए, आप सौरों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप डिज़ायर से मुक्त हो जाएंगे। आष्टांगिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता ही क्यों है? उसके तहत बुद्ध ने आपको चार सत्य बताए, उन्हें चार आर्य सत्य कहा जाता है, द फोर नोबल ट्रुथ। जैनिज्म में पंच अणु व्रत थे, इसी तरह से बुद्धिज्म में चार आर्य सत्य हैं। ये चार आर्य सत्य आपको तब प्राप्त होते हैं जब आप अष्टांगिक मार्ग की पालना करते हैं। अष्टांगिक मार्गों में मार्ग पहला, दूसरा, तीसरा, सो राइट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर राइट का अर्थ सही या गलत से नहीं है, सम्यक से है। सम्यक अर्थार्थ रेलेवेंट, रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति, वस्तु, विषय, समय, काल, खंड, ऋतु, आपको उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो राइट होनी चाहिए, फिर आप कभी भी समस्याओं में नहीं आते। आई बात समझ में? आपको अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं थी ना इस बॉडी के बारे में, तभी तो बुद्ध ने बाहर निकल करके उन चार अवस्थाओं को जब देखा, तो बुद्ध पहली तीन अवस्थाओं को देख शोक में चले गए। यदि बुद्ध को पहले दिन से ही शरीर की नश्वरता का आभास होता तो क्या बुद्ध ऐसी परिस्थिति में जाते? बुद्ध को शरीर की नश्वरता का आभास नहीं था। जब बुद्ध को यह राइट अंडरस्टैंडिंग हुई तो अंततः बुद्ध ज्ञान के मार्ग पर चले, और जब चले हैं तो मुक्त हो गए हैं, और फिर कोई अंतर ही नहीं पड़ता कि ये देह नश्वर है या नहीं। ओके? क्योंकि इस नश्वर देह के तहत, इस नश्वर जीवन में जिन जिन आसक्तियों का जन्म हुआ, बुद्ध ने उन आसक्तियों को ही समाप्त कर दिया। तो जब आसक्तियाँ ही समाप्त हो गई तो नश्वर देह की आवश्यकता ही नहीं रहती, और फिर जब नश्वर देह की कोई आवश्यकता ही नहीं तो ये बीमार हो या बूढ़ी हो या क्या अंतर पड़ता है? फिर इसे कष्ट देने में कोई समस्या नहीं होती, फिर इसके रंग को बचाने की कोई कवायद नहीं होती, फिर ये नंगे पाँव चल के छिल जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, पीड़ा ख़त्म हो जाती है, फिर आप धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, विचारों से, व्यक्तित्व से,
सोच से, शरीर से, फिर आपको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ऑल पावरफुल थे, और जो ऑल पावरफुल है वही तो कंट्रोल करता है सबको, वही तो कंट्रोल करता है, वो सोसाइटी को भी कंट्रोल करता है, पॉलिटिक्स को भी, इकॉनमी को भी, कल्चर को भी। तो इस समय में, जिस समय में बुद्ध थे, समाज में, सभ्यता पर, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गौतम बुद्ध की अमिट छाप है। ये दौर इतना प्रभावित है कि हम इसे बुद्ध काल कहते हैं। ये बुद्ध ही से तो है, बुद्ध इतने शक्तिशाली यदि ना होते तो ये दौर बुद्ध काल कैसे कहलाता, सोचने वाली बात है। तो ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग यदि, पहला क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग, और राइट के लिए वर्ड कौन सा है यहाँ पे, हिंदी वाला सम्यक, सम्यक। दूसरा है राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग होने के लिए राइट थॉट होना ज़रूरी है। जब बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा था जयदीप, तो क्या बुद्ध ये पहचान पाए थे कि ये रोगी है? बुद्ध ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए थे कि ये रोगी है? तो बुद्ध के पास राइट थॉट कहाँ था? राइट थॉट किसके पास था? सारथी के पास। सारथी ये जानता था कि ये रोगी है, और इसके लिए बुद्ध भी धीरे धीरे ट्रेंड हुए। तो राइट थॉट, विचार, देखें सही समझ तभी पैदा होती है जयदीप, जब हमारे पास सही विचार होते हैं। बिना विचारों के समझ का निर्माण नहीं होता, तो राइट थॉट होने ज़रूरी हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली चीज़ ही दूसरे की नीड पैदा कर रही है? लग रहा है? हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, ये हेरिटेज एंड कल्चर से देखिए कितना अलग है, जहाँ उसमें हम बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ, पेंटिंग और अलग अलग स्तूपों को पढ़ रहे थे विस्तार से, उस माध्यम से आइडियोलॉजी और फिलॉसफी समझ रहे थे। यहाँ पर अब आप देखिए उनकी टीचिंग और फिलॉसफी को हम पढ़ रहे हैं। अंतर कितने हैं जीवन में, है ना सिम्मी? ढक्कन का वो निकल गया। तो राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद तीसरा कौन है? विनीता। तीसरा है राइट स्पीच विनीता। जब विनीता समझ सही हो गई, जो कि सही विचारों पर निर्मित थी, तो विनीता वाणी भी तो सही होगी, वाणी भी तो सही होगी ना। सही समझ, सही विचार सही वाणी को जन्म देते हैं। सही वाणी से सही विचार और सही समझ का प्रसार भी होता है, और सही वाणी के ही माध्यम से आपको यह सही समझ और विचार ग्रहण भी होते हैं। मान लीजिए कि सामने वाले की वाणी सही नहीं, जैसे कि इस समय मैं पढ़ा बुद्धिज़्म रहा हूँ, वाणी अर्थात यहाँ पर आपको क्या लगता है? आवाज़, ये वाणी है। वाणी अर्थात जिस माध्यम से ये पहुँच रही है, अर्थात आवाज़, अर्थात तथ्य, अर्थात गुण, अर्थ, तो सब कुछ समाहित होता है इसमें, उद्देश्य, ये सब कुछ मिलके फिर एक वाणी बनती है। शब्द, लिपियाँ, तथ्य, उद्देश्य, आदर्श, सब कुछ है इसके अंदर, तो दैट इज़ द वाणी। तो सही वाणी ही नहीं इस्तेमाल हो रही। पढ़ा रहा हूँ बुद्ध और उनके अष्टांगिक मार्ग, और करा रहा हूँ बायोलॉजी, तो सही विचार और सही समझ लेके जाओगे बुद्ध के विषय में बायोलॉजी क्लास लगा के? तो सही वाणी अनिवार्य है ना, है ना? तो सही वाणी अर्थात वाणी, तो वाणी ही सिखिज्म में ज्ञान है। वाणी गुरु है, गुरु वाणी है, तो वाणी अपने आप में संपूर्ण होती है, वाणी ज्ञान होती है। तो यहाँ पर अर्थ यही है कि जिसके माध्यम से ज्ञान का बहाव होगा वो वाणी सही होनी चाहिए, आपकी भी, सामने वाले की भी। समाज में ये सही हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। वाणी सही का अर्थ कभी भी ऐसा नहीं होता विनीता, सॉफ्ट स्पोकन, झूठे मूठे वाले सॉफ्ट स्पोकन नहीं। ये जो आपके अंदर आर्टिफिशियल एलिमेंट डाले जाते हैं एक राइट पर्सनैलिटी के नाम पर, कि यू शुड बी हम्बल लाइक दिस, ऐसा नहीं।
हम्बल व्यक्ति वह है जिसके सानिध्य में कोई भी निर्बल शक्तिहीन महसूस न करे, क्योंकि यह शक्ति का प्रचार उसके सामने नहीं करेगा, शक्ति का प्रयोग भी उस पर नहीं करेगा। हम्बल यह है, हम्बल व्यक्ति वह है जिसके सामने किसी भी रूप में कोई घमंड टिक ना पाए। राम हम्बल थे, उसी हम्बलनेस से उन्होंने रावण का अंत किया। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि राम वाज नॉट हम्बल, ही वाज हम्बल। हम्बल थे इसीलिए घमंड टिक नहीं सकता, एरोगेंस टिक नहीं सकती, ईगो टिक नहीं सकती। हम्बल व्यक्ति के सामने ये सब नहीं टिकता। आई बात समझ में? तो सॉफ्ट स्पोकन होना इज नॉट द वाणी, राइट स्पीच। राइट स्पीच अर्थात सही भाव, अर्थात सही शब्द, अर्थात सही संबंध, सही आचरण, सही प्रतिक्रिया, यह सब होना चाहिए। ओके, यह इम्पॉर्टेंट है। तो कितना भी लाउड, कितने भी लाउड हो मृदंग की आवाज़ या कितनी भी लाउड हो ढोल, संदेश यदि जनहित में है, सत्य है, निर्माणकारी है, यह राइट स्पीच है। आई बात समझ में? ये राइट है वाणी। ओके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, तो फिर देखिए राइट एक्शन अपने आप ही आता है। सही वाणी, सही विचार, सही समझ, तो सही कृत्य तो होंगे ही ना करणदीप, एक्शन रॉन्ग कैसे हो जाएगा? राइट एक्शंस, ये साथ में ही जुड़े हुए हैं। राइट एक्शन जैसे कि मेरा आपके प्रति बर्ताव कैसा है, बिहेवियर मेरे एक्शन का ही पार्ट है ना, तो राइट एक्शन उसी से ही आएंगे। राइट लाइवलीहुड, और जब ये पहले चार सही हैं, पांचवा गलत नहीं हो सकता। जब हमारे विचार सही हो गए, हमारी समझ सही हो गई, हमें नश्वरता का अनुभव हो गया, जब वाणी सही पहुंची हम तक और हमारी वाणी भी सही जा रही है, जब हमारे सारे एक्शन ही करेक्ट हैं, तो फिर हम कोई भी माल प्रैक्टिसेस, करप्शन, किसी भी तरह का लॉस टू समवन कैसे कर सकते हैं बताइए मुझे? किसी भी अधार्मिक तरीके से, अनैतिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आप अपनी उपजीविका अर्जित करेंगे फिर? नॉट एट ऑल, क्योंकि आप समझौता नहीं करेंगे अपनी समझ से, जो समझ सुविचारों पर खड़ी है, जो सुविचार सुवाणी से आए हैं, और उसी सुवाणी से आपका सुव्यवहार आया है, कृत्य, इसलिए उपजीविका भी सु ही होगी। ओके, लाइवलीहुड भी करेक्ट होता है। राइट एफर्ट, राइट प्रयास करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। उपजीविका के क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं, अब आप देखें, आपकी एक समय की वाणी, एक स्तर की वाणी है ना, आपकी एक समय का विचार एक स्तर का विचार है ना, आपकी एक समय की समझ एक स्तर की समझ है ना, आपका एक समय का एक्शन एक स्तर का ही एक्शन है ना, तो क्या निरंतर प्रयास नहीं होने चाहिए इनके विकास में? क्या निरंतर, इतना गिरता है ना, तो क्या निरंतर प्रयास नहीं होने चाहिए इनके उत्थान में? ये प्रगति करने चाहिए ना। थैंक यू। एक समय पर विचार करके देखिए, एक समय पर यदि हम देखें तो आप कितने भी सोशल रिफॉर्मर्स, फ्रीडम फाइटर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स को कंसिडर करें, एक समय पर एक स्तर के कार्य हैं, पर समय दर समय स्तर बढ़ा है ना, क्योंकि प्रयास बड़े हैं, तो बड़े प्रयास होते रहने चाहिए। भारत जब आज़ाद हुआ था, एक स्तर के प्रयास थे, हम आत्मनिर्भर उस समय में एक स्तर पर हुए, जैसे कि खेती बाड़ी, भोजन, जैसे कि बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, मान लीजिए। लेकिन आज दिन तक हमें बड़े स्तर के प्रयास करने हैं ना, कि हम और आत्मनिर्भर हों, जैसे कि रोज़गार में, जैसे कि शिक्षा में, जैसे चिकित्सा में, जैसे कि बाल्य कल्याण में, महिला कल्याण में। तो भारत हमेशा इंडेवर ओरिएंटेड रहे, हमें ऑलवेज इंडेवरिंग रहना है। इंडेवरिंग अर्थात
हमें ऑलवेज नए स्तर पर पहुंचने के प्रयास करते रहने हैं, हमें प्रयासरत रहना है, राइट एफर्ट्स करते रहिए, सही प्रयास करते रहें, प्रगति इसी से होती है। तो प्रगति की बात करते हैं बुद्ध। एक स्तर पर एक समय में ज्ञान मिल गया, बैठ गए वहीं पे, ना तो उसको रीवर्क कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं अपन, और ना नए स्तर की चीज़ें सीख रहे हैं कि पिछले स्तर का ज्ञान और बेटर यूज़ हो, पिछले स्तर का ज्ञान और बेटर यूज़ हो। पॉलिटी की एनसीईआरटी में 6th class या 7th class की बुक में पढ़ा गया चैप्टर अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा है, वो एक समय पे एक स्तर में बताया, 8th class में फिर रिपीट है, 10th में 11th में, 4 बार आपने स्तर बढ़ाया उसका, कैसे, 4 बार प्रयास करके अलग अलग क्लासेस में, फिर लक्ष्मीकांत के वाया, और अब फिर सोसाइटी और कल्चर के वाया। अब जो आपके पास थॉट ऑफ डेमोक्रेसी है वो 6th class की, वो 7th class की बुक के डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से बहुत आगे का कंसेप्ट है। ये कैसे हुआ भाई जयदीप? प्रयासों से हुआ ना, तो प्रयास तो करने ही हैं अर्प्रीत, करने हैं ना, तो राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, कई बारी हम कई चीज़ों को सुनते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, करते हैं, हम धारण नहीं करते, हम धारण नहीं करते। धारण किए बिना जब हम उन चीज़ों को करते हैं, हम मियर एक कैरियर या कंडक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं। यह समस्या है। देखिए, जिस ट्रक या ट्राली पर वह देवी देवताओं की मूर्ति या कोई ग्रंथ जाता है, वह ट्रैक्टर या ट्राली मंदिर या गुरुद्वारा नहीं हो जाती। यह समझना है आपको, क्योंकि वह सिर्फ कैरियर है। लेकिन जिस स्थान पर वह देवी देवताओं की मूर्ति या वह ग्रंथ अब विराजमान करा दिए गए हैं, स्थापित हुए हैं, तो वहाँ पर उस मंदिर ने धारण किया है इन्हें, क्योंकि वह मंदिर है, वह माइंडफुल है इस चीज़ से कि मैंने धारण किसे किया है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, प्रश्न नहीं आना चाहिए। हम जो कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम पहले क्या कर रहे थे, हमें आगे और क्या करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप अपने विचारों को किन विचारों से भर रहे हैं, यह भी तो महत्वपूर्ण है ना। एक व्यक्ति बैठ करके विचार कर रहा है कि इस देश में इस बस अड्डे को बम से कैसे उड़ाया जाए, और एक व्यक्ति बैठ करके यह विचार कर रहा है कि इस विश्व में से इस तरह की हमलों को कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, विचार तो दोनों ही हैं, राइट, दोनों ही थॉट हैं, पर ये थॉट राइट कैसे होंगे, जब आप राइट मैनर में माइंडफुल होंगे, जब आप राइट मैनर में माइंडफुल होंगे, आई बात समझ में? तो ये होना बहुत अनिवार्य है। विचारों में विचार क्या, विचारों की गुणवत्ता क्या, किस दिशा में विचार के लिए आप हमेशा प्रेरित रहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसलिए जब भी आप कोई एक्शन करें, जब भी आपका कोई थॉट हो, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, कोशिश करें कि वो माइंडलेस या सेंसलेस ना हो, वो माइंडफुल हो। आई बात समझ में? दैट मस्ट बी माइंडफुल। सीधा सीधा जनहितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, ये एक विचार ही आपको औरों के प्रति दायित्व के लिए प्रेरित करता है कि यू मस्ट बी माइंडफुल। ऐसे ही प्रयोग या ऐसे ही आविष्कार ना करके बैठ जाएं जिससे समाज, मनुष्य ध्वंस हो जाए पूरी तरह से। आई बात समझ में? यू हैव टू बी माइंडफुल, डोंट ट्राई टू बी माइंडलेस। ओके, आविष्कार आपने किया है बट माइंडलेस है, दैट्स इट। जैसे शुरुआत में वो मूवी में जो है रजनीकांत चिट्टी रोबोट बनाता है, वो एक समय में माइंडलेस हो जाता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे माइंडफुल बनाने में, क्योंकि जब चीज़ माइंडलेस है, रिसर्च पूरी है, थॉट है, सब कुछ ओके है, बट नतीजे नहीं निकले, वो गलत निकले।